जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुनीत कुमार, जिला अम्बेडकर नगर से आप सभी प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए लेके आया हूँ। आप जैसा जानते हैं कि दीक्षा ऐप पर एक प्रशिक्षण आपको 12 अक्टूबर तक करना, जिसका नाम है बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन, जिससे संबंधित मैं आपको एक वीडियो पहले दे चुका हूँ, जिसमें आप जान चुके हैं कि आपको 12 अक्टूबर तक जो है प्रशिक्षण करना है। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से वीडियो आप जो 5 भाग हैं उन 5ों भागों को आप कैसे देखेंगे, किस तरीके से आप वीडियो को पूरा करके प्रशिक्षण पूरा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो आप जानेंगे, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा, कुछ पर्सनल कामों की वजह से मुझे लेट हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आइए पहले भाग की हम वीडियो जो है आपको देते हैं। पहला प्रश्नोत्तरी जो पहले भाग से है कि आपके अनुसार प्रभास सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं। तो पहले भाग के पार्ट का पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें जो 8 जो आपके पास उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से पहला, चौथा और 8वां प्रश्नोत्तरी सही है, जिसमें दिया गया है हाँ ना वाले। और चौथा है एक शब्द आपलिक पंक्ति में उत्तर वाले, और 8वां जो आप देख रहे हैं कि जानकारी को दोहराने वाले। तो इस तरीके से अधिकतर जो है सवाल पूछे गए थे। आप प्रशिक्षण आप आगे और बढ़ाएंगे, इसके बाद आपके पास जो दूसरा प्रश्नोत्तरी आएगी, उस प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों के में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 6 उत्तर दिए गए हैं, इन 6 उत्तरों से आपको जो सही उत्तर चुनने हैं वो चौथा और 6ठा चुनना है। चौथा जो है कि पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, और 6ठा जो है कि प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। तो इस तरीके से जो दूसरे प्रश्नोत्तर के 4था और 6ठा उत्तर सही हुए। आगे आप प्रशिक्षण और जारी करेंगे। इसके बाद प्रशिक्षण में जो तीसरा आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उस तीसरे प्रश्न को यहाँ पर समझते हैं कि प्रभास सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपका क्या राय है। तो इसमें 4 प्रकार के उत्तर दिए गए हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन सही है कि प्रभास सर के पढ़ाने का तरीका आम है, अर्थात प्रभास सर जो वीडियो में पढ़ा रहे थे बच्चों को, उनके जो पढ़ाने का जो तरीका है, उन्होंने जो तकनीक अपनाई वो आम तकनीक को अपनाया है, किसी विशेष तकनीक को यहाँ पर यूज नहीं किया है। तो इस तरीके से इसका केवल पहला उत्तर सही है कि प्रभास सर के पढ़ाने का तरीका आम है। आगे आप और प्रशिक्षण जारी रखेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करते हुए जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक वीडियो प्ले होगी। उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हाट्सएप से संबंधित वीडियो बनी है, जिसमें वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चों से बातचीत, बच्चे आपस में भी बातचीत कर रहे हैं, अध्यापक भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो से आप जो प्रश्न पूछा गया है कि इस वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा, तो इसके 2 उत्तर सही हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा जो है कि बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तीसरा इसका सही उत्तर है कि बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न के उत्तर जो है दूसरे और तीसरे सही हुए। और आगे आप प्रशिक्षण सबमिट पर क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करेंगे प्रशिक्षण आपका अगला आएगा, और आप आगे जो 24 पार्ट हैं पूरे पार्टों को आप यहाँ पर प्रशिक्षण लेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने एक आएगा, जो पहेली टाइप की है और मैचिंग टाइप का है, जिसमें आपको कुछ भाषा दिया होगा और संकेत दिया होगा। आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का संकेत है, बालक का, और बालक को आप बीच वाले से मिलाएंगे, जो 3 लेटर्स लिखे हुए हैं तो बॉय हो गए। और आप देख रहे हैं कि डॉग ऊपर चला जाएगा, और जो प्लेट है, कप है, आप इस तरीके से जो प्याले को आप यहाँ पर मिला देंगे, कटोरी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीनों इस तरीके से मैच हो गए हैं, तो आप इस तरीके से इसे मैच कर लीजिएगा। और जो इस प्रश्नोत्तरी का भाग 1 का आप प्रशिक्षण का जो आप लास्ट उत्तर देखेंगे कि इस तरह से पढ़ाने में क्या फ़ायदा है, आप एक पढ़ाने का देखेंगे और उस वीडियो में पढ़ाने की टेक्निक को बताया जाएगा। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो 4 ऑप्शन सही माने गए हैं कि बच्चों को कविता गाने में मज़ा आ रहा है, बच्चे मौखिक और लिखित शब्द के बीच जुड़ाव देख पा रहे हैं, और तीसरा है कि सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, और इसका जो 4था उत्तर है कि बच्चों को अपने खुद के शब्द साझा
करने का भी मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से पार्ट वन की जितने प्रश्नोत्तरी थी, प्रश्नों के उत्तर थे, मैंने आपको दे दिया। इस तरीके से आपका भाग पहला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपके पास लिख कर आएगा कि यह सेक्शन समाप्त हुआ सेशन। आप बैक बटन ठीक करके वापस आएंगे। इस तरीके से आप एक बार और बैक करेंगे। बैक करते ही आपके सामने लिख कर आएगा कि आपने यह मॉड्यूल पूर्ण कर लिया है और आपकी परसेंटेज जो दिखाना है यहाँ पे शुरू कर देगा, जो जीरो थी वो परसेंटेज दिखाने देगा। इस तरीके से आप दूसरे भाग पर जाएंगे, शिक्षक के बातों की प्रगति और भूमिका। इसकी वीडियो मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।